भरतपुर में हिस्ट्री शीटर कुलदीप हत्याकांड का मामला, एसपी दफ्तर पहुंचे ग्रामीण और परिजन। कांस्टेबल अजब सिंह को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने की मांग। मृतक कुलदीप की मां ने कहा पुलिस अच्छा काम कर रही है, हत्याकांड में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल। कुलदीप की मां, लोगों ने एमएसजे कॉलेज से एसपी दफ्तर तक रैली निकाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हिस्ट्री शीटर से जुड़ा हुआ ये मामला है। एसपी दफ्तर, ग्रामीण और परिजन पहुंचे और कांस्टेबल अजब सिंह को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हालांकि मृतक कुलदीप की मां ने कहा पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ कांस्टेबल अजब सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि गिरफ्तार कर उसे बर्खास्त किया जाए, हत्याकांड में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। कुलदीप की मां ने ये बोला तो लोगों ने एमएसजे कॉलेज से एसपी दफ्तर तक रैली निकाली है। तो ये पूरा हत्याकांड हिस्ट्री शीटर से जुड़ा हुआ और हिस्ट्री शीटर जिस मामले में अब लोगों में आक्रोश है, हत्याकांड में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं कुलदीप की मां का ये कहना, तो इसी को लेकर रैली भी निकाली गई है। एसपी दफ्तर तक ये रैली निकाली गई, लोगों ने एमएसजे कॉलेज से एसपी दफ्तर तक ये रैली निकाली है। भरतपुर में हिस्ट्री शीटर कुलदीप हत्याकांड के मामले से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको बता रहे हैं। कांस्टेबल अजब सिंह को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने की मांग की गई है और इसी को लेकर अब रैली भी निकाली है एमएसजे कॉलेज से एसपी दफ्तर तक। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हत्याकांड है, जो कुलदीप की मां है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो हत्याकांड है उसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। और सहयोगी अजय हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है? रैली निकाली जा रही है, कुलदीप की मां अजब सिंह को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं। बिल्कुल मेघा, देखिए भरतपुर में कुलदीप जो हत्याकांड का जो मामला है वो अब पुलिस के लिए भी सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि कुलदीप हत्याकांड के करीब 11 के आसपास जो आरोपी हैं वो पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको जेल भी भेज दिया गया है। वहीं कुलदीप की मां उषा सिंह जो है आज काफी संख्या में ग्रामीणों को लेकर ग्रामीण पहुंचे और एमएससी कॉलेज से एसपी कॉलेज तक उन्होंने एक रैली निकाली। हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिसमें तख्तियों पर लिखा हुआ था कि जो कांस्टेबल एक पुलिसकर्मी जो है जो तैनात है यहाँ पर अजब सिंह, जो स्पेशल डीएसटी टीम में जो तैनात है उसको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जो एक और अन्य आरोपी है रविंद्र सिंह जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, कांस्टेबल है वो, तो उसको बर्खास्त करने की मांग की। कुलदीप की मां का कहना है कि इस अजब सिंह को भी गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये भी हत्याकांड में साजिश करने में ये शामिल था, उसका सीधा सीधा आरोप उन्होंने इस पर लगाया। इसको लेकर उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें उनको आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुलदीप की जो मां है उसका ये कहना है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है लेकिन जो तफ्तीश की जा रही है, जो जांच की जा रही है वो सही मायनों में नहीं की जा रही है, इसी को लेकर आज एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी।